लंबा समय हो गया कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है। मैंने 4 तारीख में आपसे वादा किया था कि मैं यहाँ परमानेंट के लिए बैठूँ। मैं जवाब देकर घूमता नहीं हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि किसी भी देश की तरक्की का पैमाना मैं देश की महिलाओं की तरक्की को मानता हूँ। ऐसे फील हो रहा है कि हमारा जो ये प्रोटेस्ट है इसको बिल्कुल बिजली का काम किया जा रहा है, बिल्कुल जेल में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। और आप सभी मीडिया वाले जो है शुरुआत से बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा बहुत साथ दे रहे हैं। मेरा आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ रात को भी रुकने की कोशिश करें और हम इस प्रोटेस्ट को इंटरनेशनल भी लेके जाएंगे। जो बाहर के ओलंपियंस हैं, ओलंपिक चैंपियंस हैं, उनको भी हम लेटर लिखेंगे। हमारा समर्थन कर सकते हैं। और आप सभी मीडिया वाले जो है शुरुआत से बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा बहुत साथ दे रहे हैं। मेरा आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ रात को भी रुकने की कोशिश करें, क्योंकि कल भी जो है कुछ मतलब हमारा धरना खराब करने की कोशिश की गई। जैसा पिछली बार हुआ था जब हम वेडिंग लेके आ रहे थे, तब आपने सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था, पूरे देश में हमारी बात पहुंचाई थी। ऐसी अगर कुछ घटना होती है तो आप हमारे साथ रहो और पूरे देश में हमारी बातें पहुंचाओ। और हम इस प्रोटेस्ट को इंटरनेशनल भी लेके जाएंगे। जो बाहर के ओलंपियंस हैं, ओलंपिक चैंपियंस हैं, उनको भी हम लेटर लिखेंगे कि वो भी लेटर लिख के हमारा समर्थन दें इसमें। हम सिर्फ प्रोटेस्ट साइड के जरिए बैठ के जंतर मंतर पे बैठ के सिर्फ हमारा प्रोटेस्ट को आगे नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ से जंतर मंतर से बाहर जाके फिर अपना प्रोटेस्ट को बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि हमें ऐसे फील हो रहा है कि हमारा जो ये प्रोटेस्ट है इसको बिल्कुल बिजली का काम किया जा रहा है, बिल्कुल जेल में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। तो हम इसको जितना हम ओपन जाके हर जन तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक महिला है, ये सिर्फ कुश्ती की और कुश्ती की महिला की आवाज की बात नहीं है कि हर उस पुरुष पर्सन की आवाज है, हर उस महिला की आवाज है। तो हम अलग अलग क्षेत्रों में अपना काम करते हैं और जिनके साथ में शोषण होता आया है जो अपनी आवाज उठा नहीं पाई है। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, हम कनॉट प्लेस में जाएंगे, जितने भी लोग हैं आप सबके सामने अपना प्रोटेस्ट है उसकी बात करके कि हमारे साथ कैसे हो रहा है, हमारे इस न्याय की लड़ाई में बातचीत कर रहे हैं, उनके संपर्क में भी हैं। और आने वाले टाइम में 21 तारीख तक हमने हमारे बड़े बुजुर्गों ने बोल दिया है, अगर तब तक कुछ फैसला नहीं होता है तो उसके बाद हम कोई बड़ी कोई ले सकते हैं। तो दिल्ली के महिला संगठन है या छात्र संगठन है, जितने भी संगठन है, किसान संगठन है, सबसे हम कॉन्टेक्ट में है और बड़ी कोल हम ले सकते हैं 21 तारीख के बाद में। आज जाएंगे जी, टाइम 6 PM जाएंगे। कल हमने लोगों के साथ में अनाउंसमेंट किया था कि जिला स्तर पर जो हमने मुख्य सचिवालय के सामने जो ज्ञापन देना था वो हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति जी के नाम और गृहमंत्री जी के नाम पे वो ज्ञापन जाना चाहिए। और हम हर एक संगठन से, हर एक नागरिक से जो देश अपने देश में रहता है, जो महिलाओं का इज्जत और सम्मान की लड़ाई में हमारा समर्थन करना चाहता है, जिस लड़ाई में भागीदारी देना चाहता है, तो वो अपने जिला मुख्यालय के सामने जाए और कल एक ज्ञापन सौंपे देश के प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी और देश के राष्ट्रपति जी के नाम पे। तो हम सब आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। किसी भी देश की तरक्की का पैमाना मैं देश की महिलाओं की तरक्की को मानता हूँ। ये देश में उस देश की बेटियां जो मेरे नाम रोशन कर उनके साथ अन्याय हो तो मेरे जैसे भाई बहन नहीं हो सकते। वो जो हालातों में यहाँ है उन्हें हालातों में उसी बिना सम्मान के हम उस आंदोलन को लड़ेंगे और जब तक हम लोग नहीं जीतेंगे तब तक ये आंदोलन हमारे लोगों से इसी स्तर से जारी रहेगा। और मैं अपने सभी साथियों से ये कहूंगा, मैं इसलिए चुपचाप आया क्योंकि मेरा मकसद दिखाने करना नहीं है। अगर मैं दिखाना दूर तो पुलिस के मुकाबले में अब मैं आ गया हूँ क्योंकि मुझसे प्यार करने वाले लोग भी आएंगे। तो मुझे उम्मीद
उम्मीद है कल के बाद जो है यहाँ एक मेला आएगा, उस मेले को देखने के लिए बहुत लोग आएंगे। और फिर मेरा ये भी मानना है कि हमें अपनी बहनों के हौसले को बढ़ाना है। कल रात की भी घटना खबर मिली, उससे पहले भी अब तो जरूरत है ना, भारत का हमेशा एक नायक रहा है, तो हमेशा वहाँ नायक की रक्षा होगी। और मेरे भारत को मुझे सिखाया कि अगर किसी व्यक्ति का अपमान हो तो मैं मौजूद हूँ, और तुम उसका बड़ी लोकपाल को पूरी जानकारी को मारे जाए। मैं अपने बहनों को जरा भूषा दिखाऊंगा और मेरा मानना है कि मैं जो चाहती कि गाँव का प्रोग्रेस जाए, कल के बाद आप जो है गाँव का प्रोग्रेस जाएगा। आपको गाँव से समझ मिलेगी, कस्बों से, तहसील से समझ मिलेगी कि सब लोग न्याय मांग रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि ताकत उन्हीं के पास है ना, देश की सरकार से। और उन सब लोगों से जो चुप बैठे उनसे भी सवाल पूछ रहे कि अपने बारे में इंतजार क्यों करते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज से हम लोग उसे प्रोटेस्ट। कर दिया था, लगातार हमारे देखिए हमें छोटे कर रही है,
नहीं करेगा, हम सहयोगी रहेंगे और जो भी अब सरकार होगा हमारा उससे दो कदम आगे बढ़ के सहयोग करेंगे। और दूसरा इनके साथ न्याय मांगने के लिए 25 तारीख को हम कटरा टोल पे एक बड़ी पंचायत कर रहे हैं और हमारे सुप्रीम बैठे में से चाहे एक ही हाजरी हमारे लेकिन हाजरी बनी हुई इनके तरफ से मांगे हैं क्योंकि यहाँ का भी समाज है, वहाँ का भी समाज है होती है, लेकिन लोगों की जिम्मेदारी लेने को रेडी नहीं होते कि आप हमने खड़ा कर रखा था उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल देता है, वो उसके ऊपर डाल देता है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी नहीं होता। जो भी लोग समर्थन देना चाहते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में है, जो यहाँ आ नहीं पाते हैं या किसी वजह से या कोई भी बंदी से उनको रोक रही है, तो वो विस्तृत देंगे तो तुरंत हम उनके पास हमारा एक कोई तो प्रतिनिधि करेगा, वो कॉल करेगा, जो भी अगला जो भी डिसीजन होगा तो उन तक पहुँच जाएगा संदेश के माध्यम से। तो वो हमारा एक देखो जो चल रहे हैं ये लीगली कार्रवाई है तो मैं उतना ऊपर ही आपको बता नहीं पाऊंगी, लेकिन जैसे हो जाएंगे तो हम आप सबको बताएंगे, लेकिन चल रहे हैं। कोर्ट ने बड़ी लंबी डेट दी है 27 तारीख की, लग रहा है मामला बहुत लंबा खिंचने वाला है। वो कहते हैं फिल्म का डायलॉग है तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख। हमारे देश में इतने लड़कियों के साथ में इतना अत्याचार होता है, इंदिरा कांड को लगा लीजिए, इतनी गंदगी हुई थी हमारी बहन के साथ में, 7 से 8 साल लगे उनको इंसाफ लेने में, हमने तो जस्ट शुरुआत की है और हम चाहेंगे कि ऐसा तो अभी भी जो हुआ है पास में वो आगे ना हो, वही हम लड़ाई नहीं बढ़ेंगे। बहन में तो डेली होता है ना, इसी की तो लड़ाई लड़ रहे ना,
छोटी छोटी बच्चों के साथ भी हो रहा है, महिलाओं के साथ भी हो रहा है, कोई एक का बंदिश नहीं है यहाँ पे। महिलाओं की आजादी की लड़ाई है, ये तो हम सबकी लड़ाई है।